हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन करी बनाने की रेसिपी। इस वीडियो में मैं आपको आज एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको चिकन बनाने में बहुत ही आसानी होगी और आपको चिकन घंटों पकाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चिकन करी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक कुकर में 4 बड़े चम्मच तेल ले लिया है। तेल गर्म हो जाने के बाद मैं इसमें खड़े मसाले डालूंगी, 2-3 तेज़पत्ते, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, दालचीनी, 2 लौंग, 2-3 काली मिर्च। अब इसको 1 मिनट तक भूनना है। इसके बाद मैंने इसमें प्याज का पेस्ट डाला है। पेस्ट बनाने के लिए मैंने 2 बड़े प्याज को मिक्सर में अच्छे तरीके से पीस लिया था। अब इसको 5 मिनट तक धीमी आंच पर भूनना है। 5 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। अब मैं इसमें डालूंगी 2 बड़े चम्मच मीट मसाला, नमक टेस्ट के अनुसार, 1 टीस्पून मिर्ची पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 2 चम्मच धनिया पाउडर। इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छे से पकाएंगे। पानी का इस्तेमाल मैंने यहाँ पर इसलिए किया है ताकि मसाला अच्छे से पक जाए और मसाला जले ना। मसाला अच्छे से पक जाने के बाद अब हमने इसमें 2 साबुत हरी मिर्च और 2 साबुत लहसुन डाला है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको 4-5 मिनट के लिए पकाएंगे। 4-5 मिनट के बाद अब हम इसमें चिकन डालेंगे। चिकन मैंने अच्छे तरीके से धो लिया था और मैंने यहाँ पे 500 ग्राम चिकन का इस्तेमाल किया है। इसके बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से मसाले में मिक्स कर लिया है। इसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी कस्तूरी मेथी को हाथ से मैश करके डाला है। कस्तूरी मेथी का इस्तेमाल करने से चिकन में बहुत ही अच्छा कलर आता है। 3-4 मिनट के लिए हम चिकन को ऐसे ही धीमी आंच पर पकाएंगे। इसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद इसको अच्छे से चला लेना है। अब इसमें कुकर का ढक्कन लगाकर इसको 2 सीटी आने तक पकाना है। 2 सीटी आने के बाद हम इसको खोलकर देखेंगे। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। अब हम इसमें से एक पीस उठाकर देखेंगे कि चिकन अच्छे तरीके से पक गया है या नहीं। देखिए कितना बढ़िया और अच्छे तरीके से चिकन पक कर तैयार हो गया है और बहुत ही जल्दी बहुत आसानी से ये चिकन बनकर तैयार हुआ है। चिकन करी बनकर तैयार है। अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।